अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके जो इजी पैसे एप्लीकेशन में ये वाला इशू आ रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका कर बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ आ चुका है, योर मोबाइल अकाउंट इज़ नॉट यूजिंग, ये 72 घंटों के लिए अभी ये यूज़ नहीं कर सकती, ना इसको लॉगिन कर सकती है। ये आपका इशू कैसे सॉल्व होगा, 5-10 मिनट के अंदर मैं आपको इशू सॉल्व करके बताऊँगा। 5-10 मिनट के अंदर आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि ये एरर आपको क्यों आता है, इसको कैसे सॉल्व करें। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, एप्लीकेशन ये इशू आ चुका है, ये लॉगिन की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद ये देखो मुझे ये इशू आया, मैं दोबारा आपको लॉगिन करके चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल राइट वही इशू आ रहा है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो ब्लॉक्ड कर दिया गया 72 घंटों के लिए। यह क्यों किया गया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है अभी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यही इजी पैसा एप्लीकेशन, इसको यहाँ पर देखिए, मैं जो है ना दोबारा लॉगिन करता हूँ, इसको सबको डिलीट करके यहाँ पे देखिए क्लियर डाटा करता हूँ। क्लियर डाटा करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं अभी इस एप्लीकेशन को लॉगिन करता हूँ, फिर भी वही इशू आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप न्यू मोबाइल में लॉगिन करें या फिर आप इसको अनइंस्टॉल करके इसको लॉगिन करें, तब भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैं आपकी आंखों के सामने ये देखो मोबाइल नंबर लगा रहा हूँ। मोबाइल नंबर लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं लॉगिन करता हूँ, OTP कोड भी मिल जाता है, लेकिन ये लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इशू आपको क्यों आता है, ये आपको पिन कोड चेंज करने की वजह से इशू आता है। बार बार अगर आप पिन कोड चेंज करते हो तब आ जाता है, या फिर आपको देखिए जब आप बार बार लॉगिन करते हो या एप्लीकेशन क्लोन में यूज़ करते तब ये इशू आ जाए। अभी देखो मैं दोबारा लॉगिन किया, फिर वही इशू आ गया, योर मोबाइल अकाउंट एवाज यूज्ड एक्सेस, ये देखो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो मैं अभी आपको ये बताऊँगा कि आप इजी पैसे एप्लीकेशन को आप किस तरीके से इस एरर को सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको तरीका कर बताऊंगा। ये देखिए, आपको जो इजी पैसा का जो जब लॉगिन करते हो ये इशू आता है, आपने ये हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अगर हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करनी, किसी भी करीबी फ्रेंचाइज बैंक में जाके वहाँ पे विजिट कर सकती हो, वहाँ पे उन लोगों को एरर दिखा के सॉल्व करवा सकती हो। वहीं फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको 72 घंटे वेट करना होगा या क्या करना होगा। मैंने अभी हेल्पलाइन पर कॉल किया, उन्होंने कहा है कि मैं आपकी कंप्लेन बनवा देता हूँ, कंप्लेन बनवाई, 2-3 घंटों के अंदर मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा। और पहले तो वो कह रहे थे कि 72 घंटे वेट करो, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, ना ही किसी को मोबाइल दिखाना, ना ही आपने बार बार ट्राई करना है। जब आप लॉगिन कर रहे हो उससे लेके 3 दिन तक, उसी दिन आपने इसको लॉगिन करना, तब आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा 100%। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में या कुछ भी आपने पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपने ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।